हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जावेद खान, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ECC दिल्ली द्वारका सेक्टर 1। ठीक है, हमारी RCC की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी। लास्ट क्लास में आई थिंक हमने फिनिश कर दिया था क्रिटिकल सेक्शन, और हमारा शेयर आपका शेयर का कंसेप्ट चल रहा था। उसमें जो हमने लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था वो था क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है ना, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास हो जाएगी टाइप ऑफ शेयर रीइन्फोर्समेंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? टाइप्स ऑफ शेयर रीइन्फोर्समेंट। यहां से आज हम को क्लास को शुरू करते हैं, शेयर रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, शेयर रीइन्फोर्समेंट बेसिकली हमारे पास तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की होती हैं। एक बार नाम लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करते हैं सबको वन बाय वन। आपने नाम सुना होगा सबसे पहले वर्टिकल स्टीरअप करके, नाम सुना होगा आपने क्या? वर्टिकल स्टीरअप करके। ठीक है, सेकंड वन होता है आपके पास इंक्लाइंड स्टीरअप, इंक्लाइंड स्ट्रिप। और थर्ड हो जाएगा आपके पास बेंट अप बार, बेंट अप बार। बेसिकली तीन टाइप के हमारे पास स्टीरअप्स होते हैं, या आप बोल सकते हो शेयर रीइन्फोर्समेंट होती है। वर्टिकल स्टीरअप्स, आपका इंक्लाइंड स्टीरअप्स और बेंट अप बार। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो होता है आपके पास वर्टिकल स्टीरअप्स। ये सभी ने देखा होगा। अभी मैं बनाता हूँ इसको, कैसे डायग्राम होता है, कैसे दिखाई देता है, और आई होप कि ये सभी ने देखा है। वर्टिकल स्टीरअप्स, सबसे पहले हेडिंग लिख लेता हूँ मैं, वर्टिकल स्टीरअप्स कैसे होते, देखो ध्यान से। इन जनरल बोलूं, दिस बार या द बार इज प्रोवाइडेड अलोंग द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेप। यानी कि देखिएगा ध्यान से, अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं बीम का, जी कोई क्रॉस सेक्शन हो गया आपका बीम का, और बीम में यहां पे कुछ नंबर ऑफ बार होंगे, कुछ नंबर ऑफ बार इस तरह के होंगे। इनको बार को आप बोल रहे हो मेन बार। क्या बोलते हो इनको? मेन बार बोलते हो। ठीक है, इन मेन बार को बांधने के लिए आप क्या करते हो? रिंग टाइप की प्रोवाइड करते हो यहाँ पे, ऐसे क्या करते हो? छल्ले यानी कि रिंग टाइप प्रोवाइड कर देते हो। उस रिंग टाइप के रीइन्फोर्समेंट को आप बोलते हो क्या? स्टीरअप्स। ये क्या हो जाएगा आपके? वर्टिकल स्टीरअप्स। स्टीरअप्स, पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, रफली इतना समझ में आ गया होगा वर्टिकल स्ट्रिप्स क्या होते हैं। अगर इसका और डायग्राम बनाओ, एक 3D डायग्राम में बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बना रहता हूँ मैं, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन। हाँ, बन जाएगा यहाँ पे। ये मैंने कौन सा डायग्राम बना दिया? 3D डायग्राम बना दिया। ये बीम का डायग्राम बन गया। अभी इधर देखिए ध्यान से, ये आपका एक रीइन्फोर्समेंट, सेकेंड रीइन्फोर्समेंट, थर्ड रीइन्फोर्समेंट एंड फोर्थ वन रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, ऐसे चार नंबर ऑफ बार आप प्रोवाइड कर रहे हो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप स्टीरअप्स बांधते हो, कुछ इस तरह से होते हैं आपके स्टीरअप्स, कुछ इस तरह से आपके क्या होते हैं? स्टीरअप्स होते हैं। कुछ इस तरह से आप क्या करते हो? स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हो। ऐसे ही आप प्रोवाइड करते हो जगह जगह आपके, बहुत सारी अलोंग द स्पेन ऑफ द बीम चला जाता है। इन सबको आप क्या बोलते हो? वर्टिकल स्टीरअप्स। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल स्टीरअप्स में किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड में जाते हैं। इन स्टीरअप्स को ना बेसिकली अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो मेन बार है, ये जो आपको सर्कल टाइप का दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? मेन बार, यानी कि ऐसे अलोंग द स्पेन ऑफ द बीम आपके प्रोवाइड कर रहे हो। इनको बांधने के लिए अगर आपने ऐसे एक रिंग प्रोवाइड की है, यानी कि एक स्टेप इस तरह प्रोवाइड किया हुआ है, इसको आप बोलोगे वन लेग्ड स्टीरअप्स। स्टीरअप्स, ठीक है,
अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, इन्हीं बार्स को, दो बार थे आपके पास, एक ये वाला एक ये वाला, और इन दोनों बार को आपने क्या किया, ऐसे बांध दिया किसी रीइंफोर्समेंट से और वापस प्रोवाइड कर दिया। अब कितने हो गए आपके पास, टू लेग्ड स्टेरअप्स बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, टू लेग्ड ठीक है। अगेन मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। आपने इस तरह कुछ बार प्रोवाइड कर रखे होंगे, मिनिमम चार बार आपने प्रोवाइड कर दिए किसी बीम में, और इनको इस तरह आपने बांध दिए, तो मुझे इनका नाम बता सकते हो, इसको किस नाम से जानोगे, कितने लेग्ड होंगे? तो याद रखना हमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का लेना है, क्योंकि हमारे पास कौन सी है, वर्टिकल स्टीरअप्स है, तो कौन सी डायरेक्शन लोगे, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन कितने लेग्ड हैं, टू लेग्ड हैं, तो ऑब्वियसली बात ये भी कितना होगा, टू लेग्ड स्टीरअप्स, इसमें लेग्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में मेरी स्टीरअप्स की कितनी टांगे हैं, लेग्ड है, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो, कितने भी नंबर ऑफ लेग्ड हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके डिजाइनिंग के ऊपर। आप इनको आपने क्या किया, इस तरह प्रोवाइड कर दिया, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा आपने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब मुझे बता सकते हो कितने लेग्ड हो गए, वन टू थ्री, थ्री लेग्ड हो गए, और फिर मैं इसको ऐसे क्लोज कर देता हूँ, कितने लेग्ड हो गए, तो ये हो जाएगा आपके पास, यस, फोर लेग्ड, स्टीरअप्स। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन? नाउ अब आगे देखते हैं ध्यान से। बेसिकली मुझे एक चीज़ और निकालनी होती है यहाँ पे, इनका मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द वर्टिकल स्टीरअप्स निकालना है, या एरिया ऑफ द शियर रीइंफोर्समेंट भी आप बोल सकते हो, एरिया ऑफ स्टीरअप्स भी बोल सकते हो, किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हो। मैं एरिया ऑफ द वन स्टीरअप बोल दो क्या, या आप इसको बोल सकते हो और शियर रीइंफोर्समेंट, और एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट आप किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ लेग्ड, क्या हो जाएगा आपका, याद रखना नंबर ऑफ स्टीरअप्स नहीं है, नंबर ऑफ लेग्ड मल्टीप्लाई एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन स्टीरअप्स, नंबर ऑफ लेग्ड मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन स्टीरअप्स। यानी कि इसको डिनोट करता हूं मैं किस से, एएसवी से, एएसवी इक्वल टू नंबर ऑफ लेग्ड से एल से मल्टीप्लाई करोगे किसको, इसका एक का क्रॉस सेक्शन एरिया, और एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर इंटू फाइव का स्क्वायर, यानी कि डायमीटर का स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया, एक स्टीरअप्स का एरिया निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स, आपके बहुत अलग अलग डाई की हो सकती है, डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स जो आपके पास होंगे फाइव, आप इसको 8mm का यूज कर सकते हो, 6mm का यूज कर सकते हो, 10mm का यूज कर सकते हो, और इन जनरल आपके पास 12mm का भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली हम इसका रखते हैं। क्लियर हो पॉइंट, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट थे इससे रिलेटेड, वो मैं धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं डिस्क्राइब आपको डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा। इतना पॉइंट समझ में आया, मैंने अभी तक क्या निकाला, वर्टिकल स्टीरअप्स के नाम कैसे होते हैं, डायमीटर क्या होता है, और एरिया एरिया ऑफ वन स्टीरअप्स मैंने जाना। नाउ अब मुझे एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पेसिंग है ना इसकी, ये वाली स्पेसिंग, ये स्पेसिंग मुझे कैलकुलेट करनी होती है, तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ स्पेसिंग, बिटवीन वन स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरअप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका डेरिवेशन यहाँ से निकलेगा, एक फॉर्मूला निकलेगा, फॉर्मूला बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से इसको निकालने में, शियर पढ़ रहा हूँ ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वी एस शियर फोर्स, ये एक्चुअल में एडिशनल शियर फोर्स अभी मान लीजिएगा, या एक्स्ट्रा शियर फोर्स इसको मान लीजिएगा, अभी आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ इसका एक्चुअल में नाम क्या, आगे बताऊँगा, अभी जस्ट मान लेने ये क्या आपका शियर फोर्स है। और मैंने बोला था जो भी फॉर्मूला मैं ड्राइव करूँगा अपन बेसिक फॉर्मूला पर काम करेंगे, और बेसिक फार्मूला क्या था आपका, सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए, और पी निकालोगे तो स्ट्रेस यूनिट एरिया हो जाएगा। इतना पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है, इतना पॉइंट सभी को क्लियर है, फार्मूला भूल तो नहीं गए ना, मैंने बताया था पूरी आरसीसी के जितने फार्मूले होंगे मैं इसी फार्मूले से ड्राइव करूँगा,
क्लियर हो पॉइंट? चलिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब मैं वी एस निकाल रहा हूँ, ये क्या आपका शेयर रीइंफोर्समेंट, ये आपका क्या शेयर फोर्स है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेस इंटू एरिया लिख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रेस इंटू टोटल एरिया लिख देता हूँ, टोटल एरिया, और एरिया ऑफ स्ट्रेस लिख देता हूँ मैं इसका पूरा नाम, ठीक है। चलिए वी एस जब आप लिख रहे हो यहाँ पे, ये शेयर फोर्स है, कुछ आगे बताऊंगा कौन सा शेयर फोर्स, ये निकलता कैसे, कौन सा होता है। नाउ शेयर स्ट्रेस, बात किसकी हो रही है, स्टीरप्स की बात हो रही है। अब स्टीरप जो आपके पास ये रीइंफोर्समेंट होता है, कंक्रीट होता है भाई, रीइंफोर्समेंट है यानी स्टील बार है, और स्टील का स्ट्रेस कितना होता है, 0.875, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरप्स, अब मुझे बता दो यहां से लेके यहां तक अगर मैं एक और स्टीरप इसमें लगा दूं, एक और स्टीरप मैंने यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐसा मान लो मुझे बस इतना बता दूं, यहां से लेके यहां तक आपने स्टीरप प्रोवाइड किया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरप मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, या टोटल एरिया ऑफ स्टीरप ऐसे बोल सकता हूं क्या, नंबर ऑफ स्टीरप मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्टीरप लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ स्टीरप, याद रखना पहली बार जो था वो नंबर ऑफ लेग्ड था, ये नंबर ऑफ स्टीरप मल्टीप्लाई आपके पास एरिया ऑफ वन स्टीरप, इतना पॉइंट समझ में आया, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। मुझे क्या निकालना था, फोर्स निकालना, स्ट्रेस मुझे पता है, अब टोटल इसका एरिया निकालना है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी व्हाटएवर होंगे, मैंने सीधा बोल दिया नंबर ऑफ स्टीरप्स मल्टीप्लाई एक का एरिया, फिर सबका एरिया निकल जाएगा टोटल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए वी एस 0.87 F, अच्छा अब मुझे क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ स्टीरप्स कैसे निकालता हूँ, एन कैसे निकालता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ इसको। मुझे एक चीज़ बता दो, मैं एक जनरल केस बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं टोटल आपको डिस्टेंस दे दूँ कि फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर का है, और हर एक मीटर स्पेसिंग पे आपको क्या करना है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट कितने आएंगे। यस, देखो ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर की मेरे पास स्पेन था, 10 मीटर क्या था, डिस्टेंस था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस आपके पास है 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर ऐसा मान के चलो, और मैं बोलता हूँ हर एक मीटर स्पेसिंग पे आपको क्या करना है, एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, यानी पहले से 1 मीटर यहाँ पे होगा, पहला 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है 10 मीटर स्पेसिंग के लिए क्या होगा, 10 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बोल सकते हो ना, अगर नंबर ऑफ मैं पूछूँ कि मुझे यहाँ से बता दो यहाँ तक का 10 मीटर स्पेस था, 10 मीटर का आपको डिस्टेंस था, डिवाइड बाई स्पेसिंग जो थी आपके पास वो कितने मीटर की थी, 1 मीटर की थी, तो नंबर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे सर n इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पेसिंग, ऐसे निकल जाएगा नंबर ऑफ बार निकाल लोगे इसमें, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना भैया, सिंपल लाइन कट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ बार आएंगे उसके अंदर, ठीक है। वही केस मुझे स्टीरप्स में यूज करना है, अब स्टीरप्स के अंदर जो मैं डिस्टेंस लेके चलूंगा वो डिस्टेंस कितना होगा, डी के बराबर होगा, डी बोले तो इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ दैट जब लास्ट में मैं क्रिटिकल सेक्शन आपको पढ़ाया था, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद आ रहा हो, मैं बीम का ऐसा सेक्शन बनाया था कल की क्लास में, ऐसे सेक्शन बनाया था बीम का मैं, और मैंने बोला क्रैक यहां से जाता है, और मैक्सिमम भी क्रिटिकल डिस्टेंस कितना होता था, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर आता है, और इसलिए आपको डिस्टेंस कितना लेके चलना है, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर लेके चलना है। नंबर ऑफ स्टीरप्स की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो डी डिवाइड बाई स्पेसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया ऑफ वन स्टीरप ये आप लिख सकते हो ए एस वी, क्या लिख लोगे आप ए एस वी, यहां से अगर आपको निकालना क्या, ये मेरा पूरा फॉर्मूला बन गया, यहां से मैं स्पेसिंग को ऊपर ले लेता हूं, स्पेसिंग जब इधर लोगे तो 0.87 FY इंटू में डी इंटू में ए एस वी डिवाइड बाई वी एस, ये आपका स्पेसिंग का फॉर्मूला गया, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जाम, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये फॉर्मूला पूछा जाता है, हर एक पॉइंट से फॉर्मूला आपका पूछा जाता है, ठीक है आपके हर एक पॉइंट इस फॉर्मूले के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा
स्पेसिंग का सिंपल फार्मूला जो आईएएस कोड ने डायरेक्टली दे रखा था और आपने कॉलेज के अंदर उसको डायरेक्टली याद किया था। मैंने बिल्कुल अपना बेसिक फार्मूले से क्या किया, इस पूरे फार्मूले को ड्राइव कर लिया कि कैसे निकलता है। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा इस वाले फार्मूले के अंदर, अगर मैं शेयर से शेयर को इंक्रीज, शेयर फोर्स को इंक्रीज करता हूँ तो स्पेसिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? यस, देखो नोट लिख लेता हूँ पहले मैं पॉइंट। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ जिस आपको ये पता है, वेयर करके यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे मुझे जगह थोड़ी सी कम मिलेगी। FI क्या है? करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बोल दे, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील बोल दूँ, मैं यहाँ पे यील्ड लिख देता हूँ, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, ठीक है। डी आपको पता है इफेक्टिव डेप्थ, एस भी आपको पता है एरिया ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट, वन शेयर रीइंफोर्समेंट या स्टीरफ जिसको आप बोल सकते हो, और वी एस वी आपको पता है स्पेसिंग, ठीक है। और वी एस क्या हो आपके पास, ये आपका शेयर फोर्स होता है जिसको मैं अभी लिख नहीं रहा, फिर आगे मैं एक्चुअल बताऊंगा शेयर फोर्स में भी कौन सा शेयर फोर्स होता है, ठीक है, आगे ड्राइव करूंगा उसको बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। नाउ इतना हो गया, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा, देखो जो FY की वैल्यू है ना, जो यील्ड स्ट्रेस है, ये शुड नॉट बी मोर देन 415 न्यूटन पर MM², यानी कि FE, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस वर्ड को, क्या FE 415 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में गेट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इवन SSCG के ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको और सीधी वैल्यू दे देगा क्या FE 500, जहाँ पे FE 500 आ जाए आपको उसको काट के क्या कंसिडर करना है, FE 415 आपको कंसिडर करना है। IAS कोड ने क्लियर वर्ड में बोल दिया है, जब आप स्टीरअप्स के लिए जो ग्रेड ऑफ स्टील लेके चलोगे, शुड नॉट बी मोर देन FE 415। पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट समझ में आ रहा है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्यों फिक्स कर दिया। देखो नॉर्मल इन जनरल केस में जब मैं स्टीरअप की आप बता दो, जब स्टीरअप देखा है ना आपने, इसको मोड़ते हैं, स्टीरअप आपने देखा होगा मशीन होते हैं, इसकी बहुत सारी अलग अलग मशीन होती है आपके पास, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर आ चुकी है, वरना इन जनरल केस में आपने जो पुराना कंस्ट्रक्शन देखा हो कहीं हो गया, वहाँ पे क्या करते हैं, लकड़ी से ना फॉर्मवर्क तैयार कर लेते हैं, उसी पे मतलब आपके कीले टाइप के गाड़ देते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको मोड़ते हैं, जिस भी शेप के आपको स्टीरअप चाहिए होती है आप वहाँ पे क्या कर लेते हो, मोड़ते हो। अब जैसे जैसे आप हायर ग्रेड के साथ जाओगे, अब समझना ध्यान से, मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ, जैसे 415, अब मैंने बोलता हमारे पास तीन ग्रेड होते हैं, FE 250, FE 415, FE 500, जैसे जैसे हायर ग्रेड के साथ जाओगे वैसे आपका स्टील बीटल होना स्टार्ट करेगा, वो शेयर स्ट्रेस डायग्राम के अंदर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जब उसको हायर ग्रेड वाले स्टील को यानी कि FE 500 को आप जब मोड़ोगे ना, तो उसके अंदर क्रैक्स आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, मोड़ते टाइम जब आप उसको बेंड कर रहे हो ना इस तरह घुमाओगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ठीक से जल्दी से अच्छे तरीके से बेंड नहीं होगा, वहाँ पे क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके स्टील की, आपके स्टीरअप की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फाइंड सुन रहा है, इसलिए IAS कोड ने बोला कि आपको बस मैक्सिमम साइट पर जो यूज करना है FE 415 ग्रेड ही यूज करना है। इन जनरल केस में माइल्ड स्टील को देखा होगा ना, पतले पतले से वायर होते हैं, उन्हीं को मैं मोड़ता हूँ, माइल्ड स्टील को मैं एज ए स्टीरअप ज़्यादा प्रिफर करता हूँ बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है, चलिए अगला पॉइंट नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे एक चीज़ बता दो ध्यान से, मुझे यहाँ से पता चला अगर मैं शेयर फोर्स इंक्रीज करूँगा तो मेरा स्टीरअप्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बता दो, मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं सेंटर पे बात कर रहा हूँ, बीम के किस पे, सेंटर पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सेंटर पे स्पेसिंग मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? यस, बेसिकली सपोर्टेड बीम कंसिडर कर लो और उसके सेंटर पे अगर आप स्पेसिंग प्रोवाइड करना चाहते हो, यानी ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो आप सेंटर पे, तो स्पेसिंग कम रखोगे ज़्यादा रखोगे,
यस कम रखेंगे। क्यों कम रखेंगे? क्योंकि सेंटर पे मेरे पास क्या होगा, शेयर फोर्स का आप सॉरी स्पेसिंग क्या रखोगे, ज़्यादा रखोगे। बिकॉज अब सेंटर पे मेरा शेयर फोर्स क्या होता है, कम होता है, और स्पेसिंग इसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नहीं समझ में आया? ठीक, अब देखो ध्यान से, वापस आता हूँ अपने डायग्राम पे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से उस पॉइंट को समझ सको। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऊपर से क्या लगा दिया आपने, यूडीएल लगा दिया। जब आपने यूडीएल लगा दिया, इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, यानी कि मैक्सिमम कहाँ होगा सपोर्ट पे और मिनिमम कहाँ होगा सेंटर पे। जब यहाँ पे सेंटर पे एट सेंटर शेयर फोर्स इज मिनिमम, इज मिनिमम, देन स्पेसिंग विल बी मैक्सिमम। विल बी मैक्सिमम, ज़्यादा ज़्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हो। वहीं अगर बात करें एट सपोर्ट पे बात करेगा तो सपोर्ट पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, शेयर फोर्स इज मैक्सिमम। और अगर शेयर फोर्स मैक्सिमम, आपको स्पेसिंग क्या करना होगा, पास पास में आके शेयर रीइंफोर्समेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्पेसिंग विल बी मिनिमम। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट नोट का, अगर आप सेंटर से, या मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर आप एक सपोर्ट से टूवर्ड, यानी सेंटर की साइड जा रहे हो, व्हेन वी गो सपोर्ट टू टूवर्ड सेंटर, अगर टूवर्ड सेंटर की साइड आप जा रहे हो तो आपका क्या होगा, स्पेसिंग इंक्रीज करते जाओगे, बढ़ाते जाओ, घटाते जाओगे। ठीक है, देखो जब आप धीरे धीरे इधर जा रहे हो तो शेयर फोर्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर शेयर फोर्स कम होता जा रहा है, स्पेसिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। मैं डायरेक्ट लेता हूँ टूवर्ड सेंटर, अगर आप सेंटर के साइड जा रहे हो तो स्पेसिंग विल बी, सेंटर की साइड जाओगे वैल्यू कम होगी तो स्पेसिंग विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ऐसे उल्टा पूछ सकता है, अगर आप सेंटर से कहां की साइड जा रहे हो, टूवर्ड द सपोर्ट, व्हेन वी गो फ्रॉम सपोर्ट टूवर्ड सेंटर टूवर्ड सपोर्ट, अगर सपोर्ट की साइड जा रहे हो तो आपकी स्पेसिंग क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी, एफ आई की वैल्यू कितनी होती है, सो नॉट बी मोर देन एफ ए 415 ग्रेड। आई होप आपको ये स्पेसिंग समझ में आ गया होगा। हमने पहला कंप्लीट कर लिया वर्टिकल स्टीरअप्स, नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर सेकेंड आता हूँ मैं इंक्लाइंड, सेकेंड आता हूँ मैं किस पे, इंक्लाइंड स्टीरअप पे। नेक्स्ट बी पोर्शन हो जाएगा आपके पास इंक्लाइंड स्टीरअप। ठीक है, चलिए इंक्लाइंड स्टीरअप में कुछ नहीं होता है, सिंपल क्या कर दिया अब मैंने, आपने वर्टिकल बार को किस में प्रोवाइड कर दिया, एक एंगल पे क्या कर दिया आपने, प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो ये आपके पास कोई बीम था, आपने वर्टिकल बार जो पहले ऐसे प्रोवाइड करते थे 90 डिग्री एंगल पे, अब आपने क्या किया उसको ऐसे प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोवाइड कर दिया, कुछ ऐसे प्रोवाइड कर दिया, ऐसे आपने इस साइड में क्या कर दिया, कुछ ऐसे प्रोवाइड कर दिया किसी ने किसी एक एंगल पे, जो एंगल होगा आपका अल्फा। ये इन स्टीरअप्स को आप बोलोगे वर्टिकल स्टीरअप्स। व्हेन द बार इज प्रोवाइडेड एट एनी इंक्लाइंड या एट एनी एंगल टू द हॉरिजेंटल, दैट स्ट्रिप इज नॉन एज इंक्लाइंड स्टीरअप। क्लियर हो पाइंट? चलिए इनको दूसरे वर्ड में यह बोल सकते, दिस बार आज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट, दिस बार आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट डायगनल टेंशन क्रैक।
यानी कि एंगल आपके पास 45 डिग्री पर आप प्रोवाइड करोगे, आपको पता होगा जो क्रैक्स स्टार्ट होता है सपोर्ट से वो आपका ऐसे 45 डिग्री पे स्टार्ट होता है, तो उसके परपेंडिकुलर आपने बार को प्रोवाइड कर दिया ताकि वहाँ पे कोई भी टेंशनल क्रैक जनरेट ना हो। क्लियर हो पॉइंट? नाउ सब कुछ सेम वही रहेगा, एरिया इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है जैसे आप कैलकुलेट करते आए हो। अब इसका मैं स्पेसिंग लिख लेता हूँ, स्पेसिंग का फॉर्मूला, इसका जो स्पेसिंग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपके पास ऑलमोस्ट सेम रहेगा जैसे क्या था 0.87 FY इंटरमीडिएट इनटू SUV, यही फॉर्मूला था क्या, डिवाइड बाय VS, इसमें मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि एंगल आ गया तो साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा, ये एक्स्ट्रा टर्म आपको मल्टीपल कर देने, तो यहाँ पे क्या निकालोगे आप, स्पेसिंग निकालोगे कितने स्पेसिंग पे आप क्या करोगे इसको प्रोवाइड करोगे। पॉइंट क्लियर हो गया? सेम कंडीशन सारी चीज़ें वही होंगे अप्लाई करेंगे जो हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स में पढ़ चुके हैं। क्लियर हो पॉइंट? इन जनरल इसको थोड़ा सा प्रोवाइड करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इन जनरल कंस्ट्रक्शन में इसको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट जब आप मैं आता हूँ किसके अंदर, जो मेरा हैवी टायर होते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं जिनमें मुझे एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। नाउ नेक्स्ट वन मेरे पास हो जाएगा आपका बेंट अप बार। बेंट अप बार में क्या हो गया, जैसे नाम से बेंट अप बार, बार को क्या कर दिया, बेंट कर दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम थी इस तरह से, ये आपके पास क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम को आपने सपोर्ट कर दिया, इधर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम को क्या कर दिया, कुछ ऐसे क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हो आप, देखो ध्यान से कि जब आप मेन बार को आपने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरह से, मेन बार आप प्रोवाइड करते हो और वही बार को आपने क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे कुछ करके बेंड कर दिया ऊपर के साइड में, आप क्या करें उस बार को इस तरह से बेंड कर देते हो, इसको आप बोलते हो बेंट अप बार। पॉइंट्स वाला डायग्राम आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब क्या होगी इसमें, देखो ध्यान से, जनरल केस में व्हेन द ग्रुप ऑफ बार इज प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन एंड सम बार और सम मेन बार आर एक्सटेंड फ्रॉम या बेंड फ्रॉम टेंशन टू कंप्रेशन फॉर बार, दिस बार आर नोन एज बेंट अप बार। क्लियर ऑफ पॉइंट? मतलब क्या, देखो आपने सारी रीइंफोर्समेंट को नीचे प्रोवाइड किया, लेकिन जिस बार को यहां से लेके आपने क्या कर दिया, उस बार को उस साइड क्या कर दिया, मेन बार को ही क्या कर दिया, आपने बेंड कर दिया। इसको पॉइंट लिख देता हूं, मेन बार को क्या कर दिया आपने, बेंड कर दिया। और बेंड मेन बार पे आपने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। क्लियर हो पॉइंट? आपने बार को ले यहाँ से, देखो ध्यान से, आपने बार प्रोवाइड किया और इसी बार को आपने मेन बार को क्या कर दिया, इधर पर बेंड कर दिया, फिर अगली बार इधर से स्ट्रेट लेके आते हो, फिर उस बार को यहाँ पे लेके आया, आपने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब आपको साइड से आपको व्यू ऐसे दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन उसका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर ऑफ पॉइंट? कोई दिक्कत? नाउ इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, आप एक बार डेफिनेशन इसमें लिख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है मेन बार की या बेंट अप बार की। इसमें लिखे व्हेन ए ग्रुप ऑफ बार एक्सर्ट एक्सर्ट इन द फॉर्म ऑफ मेन बार अलोंग टेंशन साइड सम मेन बार आर बेंड फ्रॉम टेंशन टू कंप्रेशन साइड टू रेजिस्ट एक्सटर्नल शेयर दीज बार आर नॉन एज बेंट अप बार दीज बार आर नॉन एज बेंट अप बार। दोबारा सुन लीजिएगा ध्यान से। When a group of bar exert in the form of main bar in tension zone, some of main bar are bent from tension side to compression side to resist external shear. These bar are known as bent up bar. नोट डाउन कर लोगे आप, मेन बार को आप क्या कर दिया, बेंड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट से मैक्सिमम contribution of bar is 50% of main bar and alternate bar are bent from tension side to compression side. Alternate bar are bent from tension side to compression sides. तो इधर आपने डेफिनेशन लिख लिया पहला,
इसके बाद बोला मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, इसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा आपके पास, अप्रोक्सीमेट 50% होता है ऑफ मेन बार का, ठीक है। और अल्टरनेट बार आर बेंट अप, बेंट अप या बेंड अप, ठीक है। कहने का मतलब क्या, देखो ध्यान से, अब आपने सारी बार को प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, और इसको एक चीज़ और मैं बोल दूँ, जब आपने बार को इधर बार को आपने ऐसे प्रोवाइड अल्टरनेट बार करो, पहले बार ही बार को छोड़ दिया, दूसरे को उठा दिया, तीसरे को छोड़ दिया, चौथे को उठा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 50% बार ही बेंट हो पाई है क्या, 50% बार ही क्या हो रहे हैं आपके बेंड हो रहे हैं, और 50% बार ही बेंड हो रहे हैं तो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मान लेना 50% के राउंड अप में ही आपके पास क्या होगा, करेगा शेयर को रजिस्ट करेगा, ठीक है। आगे बताऊंगा इस पॉइंट को डिटेल में चलूंगा। अल्टरनेट बार बेंड करना है मतलब कि अगर आपने एक बार को इधर से बेंड किया इस तरह से, डायग्राम में दिखा देता हूं यहां पे, तो अगेन जो दूसरा बार होगा आपको, दूसरा बार यहां से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और आपने क्या करना है उसको यहां पे क्या कर देना, उसको बेंड कर देना इस तरह से, और जब डायग्राम इसको क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं ध्यान से। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट होगा, इसको बोलते हो आप एएसटी मैक्सिमम, क्या हो गया आपका एएसटी मैक्सिमम, और जो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट होगा इसको आप एएसटी मिनिमम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 50% बार ही क्या कर दिया आपने, या इसको बोल सकते हो 50% बार क्लियर ऑफ पॉइंट बेंट अप कर दिया, कोई दिक्कत। अब आते हैं ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा सबसे पहले इसमें इसका शेयर फोर्स कितना होगा, ये शेयर फोर्स कितना बेयर कर लेगा, ये बेसिकली जो शेयर फोर्स बेयर करेगा वो आपके पास हो जाता है 0.87 एफ वाई इंटू में डी इंटू एस वी इंटू में साइन अल्फा, ठीक है। इतना शेयर फोर्स बेयर कर लेगा उसको, जो आई एस कोड है जो मुझे फॉर्मूला दे रखा है, नहीं इसमें डी नहीं है और बाकी के सारी टर्म हैं, इतना शेयर फोर्स ये बियर करेगा। अब आता हूँ मैं सारे पॉइंट को इंक्लूड करता हूँ नोट के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे ध्यान देना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, when bent up bar is provided their contribution to register share force is half of the total share capacity so that bent up bar is always provided with vertical stirrups, ठीक है। देखो ध्यान से कहना क्या चाहता, अगर आपने बेंट अप बार प्रोवाइड किया तो ये टोटल जो शेयर रेजिस्टेंस करने की जो कैपेसिटी है वो 50% ही होती है। आइस कोड क्या बोला इसको, अप्रोक्सीमेट 50% ही शेयर को क्या कर सकता है, ये रोक सकता है। बट बाई के 50% के लिए कुछ ना कुछ मेटल तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। बाकी का 50% के लिए आप क्या करोगे, बेंट अप बार ही आप इसमें इस वर्टिकल स्टिरअप ही आप क्या कर दोगे, इसमें ऐसे आप क्या करोगे, बहुत सारे वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड कर दोगे। और आपने इन प्रैक्टिकल इन जनरल केस में ऐसे ही देखा होगा, जब जहां पे बेंट अप बार होता है ना वहां पे आप वर्टिकल स्टिरअप इज ऑलवे ऑल्सो प्रोवाइडेड, बिकॉज ऑफ आई एस कोड लाइन बोल चुका है कि बेंट अप बार सिर्फ और सिर्फ 50% शेयर को क्या कर सकता है, रोक सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं रजिस्टर कर पाएगा। बाकी का 50% के लिए आपको वर्टिकल स्टिरअप्स को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ रहा है, इसलिए बेंट अप बार में हमेशा वर्टिकल स्टिरअप के साथ में क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल में देखता हूँ और इवन प्रोवाइड करता हूँ। पॉइंट क्लियर हो गया।
तो ये हमारे पास टाइप ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट था। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास हो जाएगा आपका डिजाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट। इसको मैं नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के साइड आता है डिजाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट। आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स कितने टाइप की होती हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली तीन टाइप की होती हैं शेयर, आपके पास शेयर स्ट्रिप्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला वर्टिकल स्ट्रिप्स, फिर आएगा आपके पास बेंट अप बार इंक्लाइंड स्ट्रिप्स, और देन आफ्टर आएगा आपका बेंट अप बार। तीनों के बीच में मैंने वैल्यूज देखी और तीनों क्या होते हैं उनको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश किया, और इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ आते हैं हम डिजाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, डिजाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जब मैंने शेयर स्टार्ट किया था, शेयर का कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, तो क्या क्या चीज स्टार्ट की? सबसे पहले शेयर समझना हमने, फिर हमने टाइप ऑफ द शेयर समझा, तीन टाइप के होते हैं, फ्लेक्सुरल शेयर, आपके पास पंचिंग शेयर और टॉर्जनल शेयर। उसके बाद हमने देखा कि शेयर की वजह से क्रैक कैसे कैसे जनरेट हो रहे हैं। हमें पता चला कि जो शेयर क्रैक जनरेट होता है वो 45 डिग्री पर होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सटेंड कहाँ तक कर जाता है, इफेक्टिव डेप्थ तक। मैंने शेयर क्रैक पढ़ा, फिर क्रिटिकल सेक्शन पढ़ा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है, यहाँ पर मेरा सेक्शन क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। क्रैक किसकी वजह से आए, सेक्शन कहाँ से फेल कर रहा है वो पढ़ा, फिर मैंने देखा कि मेरे पास शेयर रिइंफोर्समेंट कितने हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। नाउ अब मैं इनको क्या करूँगा, डिजाइन करूँगा ताकि मैं क्रैक्स को क्या करूँ, रोक सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, डिजाइन करूँगा ताकि मैं क्रैक्स को क्या कर सकूँ, रोक सकूँ। तो टाइप ऑफ ये सॉरी डिजाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट में बेसिकली तीन स्टेप रहेंगे यहाँ पे भी। सबसे पहला जो रहेगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। और IAS कोड नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एक्चुअल डायग्राम अलग होता था, जिसको आप इलास्टिक डायग्राम भी बोल सकते हो, और IAS कोड ने आइडियलाइज डायग्राम दूसरा दे दिया। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है तो इसको टाउ वी से डिनोट कर सकते हो। अगेन अपन वही बेसिक फार्मूला पे काम करेंगे, बेसिक फार्मूला सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए, अगर पी कैलकुलेट करोगे तो स्ट्रेस इंटू एरिया। पॉइंट समझ मारे, तो यहाँ से जो शेयर स्ट्रेस आप कैलकुलेट करोगे, शेयर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, स्ट्रेस है, स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू डी, एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू डी, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। और वैसे आपको याद आ रहा है बी इंटू डी क्यों ले रहा होगा, थोड़ा सा याद आ रहा हो पीछे जब मैं IAS कोड का डायग्राम बनाया था, एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा था, मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, बट IAS कोड ने क्या कर दिया, इसको ऐसे बना दिया बी इंटू डी करने के लिए, ताकि मेरी एनालिसिस क्या हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ B to D, where VU क्या आपका फैक्टर्ड शेयर फोर्स, फैक्टर्ड शेयर फोर्स, जो भी शेयर फोर्स आपको गिवन मिलेगा उसमें 1.5 क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा आपका फैक्टर्ड शेयर फोर्स। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए B क्या होता है आपके पास, विड्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है, और डी क्या हो गया आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ। आपने कैलकुलेट कर लिया नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, इसके बाद आपको शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके अगर डेफिनेशन लिखना चाहो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की, इसमें लिख लेना द शेयर स्ट्रेस टेक प्लेस ड्यू टू एक्सटर्नल शेयर फोर्स, जो एक्सटर्नल शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है मेरे मेंबर पे, उसको बोलता हूँ मैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। इतना पॉइंट समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेस। डिजाइन शेयर स्ट्रेस जिसको आप डिनोट करो किससे, टाउसी से, टाउसी से डिनोट करो डिजाइन शेयर स्ट्रेस का। ये बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लेना द शेयर स्ट्रेस
टेक प्लेस ड्यू टू मेटेरियल, द शेयर स्ट्रेस टेक प्लेस ड्यू टू मेटेरियल, ब्रैकेट में लिखना ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, मतलब क्या, देखो ध्यान से, आई एस कोड ने एक टेबल दिए इसके लिए, आई एस कोड ने कुछ ऐसी टेबल दी, एक साइड लिख दिया परसेंटेज ऑफ स्टील, फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्टील का एस टी डिवाइड बाई बी इंटू डी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज दे दिया, और इस साइड ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया M20 M30 और सोन, आपके पास ऐसे चली जा रही है, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, ऐसे आपके पास कुछ वैल्यू आई एस कोड ने टेबल में दे दिया, और वही टेबल आपको एग्जाम में अवेलेबल हो जाएगी, सीधा आप वहाँ से क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ही बोल सकते हो दे ये इट्स दिस स्ट्रेस इज डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील एंड परसेंटेज ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ स्टील या ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होती है, यानी कि जो मेंबर का मेटेरियल होगा ना, मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी उस मेटेरियल के कितने उस मेंबर कितनी कैपेसिटी है। नाउ इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, तीसरा आ जाता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस या मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस। जिसको डिनोट करते हैं टाउ सी मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस के लिए भी आईएस कोड ने टेबल दे रखी है, और अगर टेबल भी याद ना रखो तो बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का भी याद रख के भी अपना क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। इन जनरल केस में ये वाली टेबल और ये वाली वैल्यू या टेबल गिवन मिलेगी आपको, कोई इशू नहीं है एग्जाम के अंदर एसएससी जे मेंस के लिए, फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बट इसका अगर डेफिनेशन बोलना चाहो तो इसकी डेफिनेशन बोल देना, द शियर स्ट्रेस कैपेसिटी ऑफ द मेंबर इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैपेसिटी विद शियर रीइंफोर्समेंट एट द टाइम ऑफ फेलियर। मतलब क्या, मतलब इसका कहना का मतलब क्या वो समझो ध्यान से, ये वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेंबर की कैपेसिटी होती है, रोकने की जो क्षमता होती है, जब आप सेक्शन पे, जब आपने मेंबर के ऊपर आपने जितने भी शेयर रीइंफोर्समेंट थे, आपने वर्टिकल स्ट्रिप वगैरह सब प्रोवाइड करने के बाद, अब उस मेंबर की कुछ ना कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी हुई ना, वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है दिस वन, जिसको आप बोलते हो मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस। देखो ध्यान से मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने बीम पर प्रोवाइड कर दिया, ये आपकी बीम है, इस बीम पर आपने जो भी शेयर रीइंफोर्समेंट था आपने प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ डिजाइन कर दिया प्रॉपर, अब भी तो इसकी ना कुछ अपनी कैपेसिटी होगी, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर को रोक सकता है, रोकने की जो क्षमता होगी, एक मैक्सिमम लिमिट तो होगी ना इसकी, उस लिमिट को बोलता हूँ मैं मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस। अगर उससे ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल बीम की अब मैक्सिमम कैपेसिटी, अब जैसे भी सुपर से लोड लगा लो, लगाओगे तो ऑब्वियसली बात फेल हो जाएगा, ज़्यादा शेयर स्ट्रेस जनरेट हो गया। ठीक है, तो उस मेंबर की आफ्टर अप्लाई द शेयर रीइंफोर्समेंट जो कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी को आप बोलते हो मैक्सिमम डिजाइन शेयर शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं लिखवा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन विद शेयर रीइंफोर्समेंट कैरिड बाई कॉन्क्रीट विदाउट फेलियर। इट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन विद रीइंफोर्समेंट, इसमें मैं लिख देता हूँ इसको, इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन विद शेयर रीइंफोर्समेंट कैरिड बाई कॉन्क्रीट विदाउट फेलियर।
विदाउट फेलियर। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अगर यहाँ पे टाउ से मैक्स के जो निकालोगे आपको टेबल में दे दूंगा, फॉर्मूला भी बेसिकली याद रख सकते हो। बेसिकली नॉर्मली इन जनरल जो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ उसको 0.631 अंडर रूट एफसी के, कहीं कहीं पे ये फॉर्मूला 0.625 भी मिलेगा। बात देखिए कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो याद रखना 0.631 अंडर रूट एफसी के वैल्यू मिलेगी। और जो टेबल आपको मिलेगी, टेबल इस तरीके से आपको कुछ मिलेगी। अच्छा हाँ, ध्यान रखना इसका, ये ओनली डिपेंड्स, ये इस नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखना, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट नॉट एन स्टील। ये ऑब्जेक्टिव कई बार एसएससी ने पूछा है, डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ओनली, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ओनली, इसको ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ग्रेड मिलेगी, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, फॉर एग्जाम्पल M20, M25, 30, 35, M40 एंड अबो, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू मिलेगी, LSM की वैल्यू अलग होती है, WSM की वैल्यू थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, उनको भी लिख लेता दोनों को। LSM की जो वैल्यू हो किसकी, टाउ सी मैक्स की। M20 के लिए वैल्यू हो जाएगा आपकी 2.5, जस्ट वन सेकेंड आई विल क्रॉस चेक, M20 की 2.8, 3.1, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 एंड 4, ठीक है। और WSM के लिए जो वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 1.8, 1.9, आपके पास 2.2, 2.3 एंड 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, यस 2.5, राइट। अगर M15 का लिखना चाहो तो यहाँ पर, अगर M15 का बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ये वैल्यू हो जाएगी 1.6, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा गया था 1.6 M15 की वैल्यू होती है। तो ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे आपको नोट डाउन कर दिया, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, डिजाइन शेयर स्ट्रेस क्या होता है और मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस क्या होता है। अब इन डाटा को ना बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूँ मैं इसको, एकदम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना कि कहना क्या चाहता है। इधर देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल ये बीम है, इस बीम के ऊपर जब मैं ऊपर से कुछ लोड लगाऊंगा, ऊपर से एडिशनल जो कुछ फोर्स लगाऊंगा, उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा क्या? उस शेयर स्ट्रेस को बोलता हूँ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। एक्स्ट्रा एडिशनल जो शेयर फोर्स, ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उस को आप बोलोगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस मेंबर की बात कर रहा हूँ, इस मेंबर की अपनी कुछ ना कुछ तो शेयर को रोकने की कैपेसिटी है, एक्स वाई जेड जो भी, इसकी जो अपनी कैपेसिटी है, अपनी शेयर को रोकने की जो कैपेसिटी थी उसको आप बोलते हो डिजाइन शेयर स्ट्रेस। ये होगा विदाउट शेयर रीइन्फोर्समेंट। इसमें ओनली मेटल कौन सा, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड की जो अपनी कॉन्क्रीट, अपनी जो कैपेसिटी होगी शेयर को रोकने की, उसको बोलोगे आप डिजाइन शेयर स्ट्रेस। क्लियर ऑफ पॉइंट? नाउ मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस का मतलब, अब आपने क्या कर दिया, शेयर रीइन्फोर्समेंट भी इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया। अब पूरी डिजाइन करने के बाद अब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी थी शेयर को रोकने की, ठीक है, इस बीम की, इस सेक्शन की, वो था आपका मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस। तीनों पॉइंट वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं के बिहाफ पे मुझे डिजाइन करना है कि मुझे शेयर रीइन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं अपने क्वेश्चन में। क्लियर ऑफ पॉइंट? तो उससे पहले एक नोट और देख लेते हैं, एक नोट और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया ना, बीम टू डी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मैंने इस वाले सेक्शन में प्रिज्मेटिक बीम कंसिडर किया था, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या आपका सेम है, जिसका आपका क्रॉस सेक्शन क्या अलोंग द स्पैन क्या आपका सेम है, कोई चेंज नहीं, उसको बोलता हूँ प्रिज्मेटिक बीम। बट फॉर वेयरिंग डेप्थ, हेडिंग लिख सकता हूँ फॉर वेयरिंग डेप्थ। अगर आपके पास डेप्थ कुछ वेरी मतलब वेरी करके, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी डेप्थ आपके पास, आपने कुछ डेप्थ ऐसे प्रोवाइड कर दी, ये फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम आप प्रोवाइड कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप आसानी समझ जाओ, क्योंकि ईजिली आपने कैंटिलीवर किस तरह देखा होगा होल्ड होते हुए। इसको मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक आपके पास D1, इसको मैं बोलता हूँ D2
और यहाँ पे जो स्पैन होगा उसको बोलोगे आप इफेक्ट स्पैन, मान लो एल, और ऊपर से आपका यूडीएल इसके ऊपर लगे रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो निकालोगे आप टाउ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉमिनल टाउ भी क्या होता है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, लिख देता हूँ ऊपर। इसका जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आप कैलकुलेट करोगे ना, वो बेसिकली जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका वो वी यू प्लस माइनस एम यू डिवाइड बाई डी टेन बीटा और बी इंटू बी डी। वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका वी यू प्लस माइनस एम यू डिवाइड बाई डी इंटू में टेन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू में डी। ठीक है, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में एक वी यू क्या है, वी यू क्या आपका एक्सटर्नल जो भी आपका फैक्टर्ड शेयर फोर्स होगा वो आपको गिवन मिलेगा, कोई इशू नहीं है। गिवन नहीं मिलेगा, यूडीएल लोड लग रहा है, आप डायरेक्टली सॉन्ग का जो फॉर्मूला लगता था डब्ल्यू एल डिवाइड बाई टू या डब्ल्यू एल जो भी होता था उससे शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट भी सॉन्ग वाले फॉर्मूला लगा के डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एट अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो उससे कैलकुलेट कर लोगे। अब दो चीज़ यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है, टेन बीटा को पता होना चाहिए, डी को पता होना चाहिए। बी तो आपको पता है सेक्शन का विड्थ रहेगा, उसमें चेंज नहीं किया मैंने, डी चेंज हो गया, डी वन हुआ डी टू हुआ। अब क्वेश्चन आता है सर डी वन और डी टू आपने ओवरऑल डेफ तो लिख दिया, ये कौन सा डेफ था ओवरऑल, और यहाँ पे तो मुझे कौन सा लेना है, इफेक्टिव डेफ लेना है। क्वेश्चन ये आएगा ओवरऑल डेफ में से इफेक्टिव कोर मैं इसमें से माइनस करूँगा कि इसमें से माइनस करूँगा। याद रखना जो बड़ा वाला डाटा होता है ना, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसी से आप निकालोगे इफेक्टिव डेफ, ऐसा समझ लेना। पहला पॉइंट समझ में आया, इफेक्टिव डेफ कैसे निकालोगे, जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी, अब डी टू क्या वैल्यू ज़्यादा डी टू की, इसमें से इफेक्टिव कवर को क्या कर दो माइनस कर दो, इफेक्टिव विड्थ आ जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है, टेन बीटा, टेन बीटा कैसे निकालते हो, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो और यहां पे जो एंगल होगा ना, ये एंगल होता है टेन बीटा, ये एंगल होगा बीटा, और यहां से क्या निकालोगे टेन बीटा। टेन बीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू बता सकते हो कि डी टू माइनस डी वन हो जाएगा क्या, डी टू माइनस डी वन, और टेन बीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस डी टू माइनस डी वन डिवाइड बाय एल हो जाएगा क्या, आपका क्या निकल गया, टेन बीटा भी निकल गया। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हर एक पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नाउ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आता है सर प्लस का साइन कब लोगे और माइनस का साइन कब लोगे, तो इसको देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिव साइन कब लूँगा और नेगेटिव साइन कब लूँगा। पॉजिटिव साइन में जब लूँगा जब आपका डेफ्थ जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हो और सॉरी बेंडिंग मोमेंट जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हो और आपके पास डेफ्थ अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हो, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में बढ़ रही हो, इसको बोलता हूँ मैं अपोजिट डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ लिख दिया आपने, हमें समझ में नहीं आया, तो दो मिनट होल्ड करो, अभी बिल्कुल आपको बताता हूँ ये कहने का मतलब क्या था मेरा। अगर बेंडिंग मोमेंट उसी डायरेक्शन बढ़ रही हो, डेफ्थ भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही हो, यानी कि सेम डायरेक्शन हो गया अगर दोनों का, तब आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन लोगे सेम साइड या सेम डायरेक्शन। देखो अगर इसी वाली बीम की बात करूं मैं, इस वाली बीम को छोटी से बना देता हूं मैं, यहां पे ऐसी बीम थे कुछ, अगर इसकी मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा बनेगा क्या, अगर यूडीएल लग रहा है, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका इधर बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, और डेप्थ भी किधर बढ़ रही है आपकी, डेप्थ भी इस साइड बढ़ रही है, बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो रहा है इस साइड बढ़ रहा है, तो सेम साइड हो गई क्या, सेम साइड के लिए आप क्या लेके चलोगे, नेगेटिव साइन लेके चलोगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल समझो तब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ, अब आपके पास डायग्राम क्या है, कुछ ऐसा है, मान के चलो यहाँ से आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, भाई बीइंग एन इंजीनियर एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप कर सकते हो, ऐसे भी कोई इशू नहीं है। इस बार क्या होगा, डेप्थ आप किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, डेप्थ इधर बढ़ रही है क्या, लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ऐसा बन रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इस साइड डायरेक्शन बढ़ रहा है क्या, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस साइड बढ़ रहा है, डेप्थ इस साइड बढ़ रही है, तो आपके पास क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली बात है साइन कौन सा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, आई होप नोट का यह पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड एक पॉइंट और इंक्लूड कर देता हूँ नोट का, यहाँ पे सेकंड पॉइंट छोटा सा पॉइंट आपका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो आपने टाव से क्या था, दिस वन डिजाइन शेयर स्ट्रेस, डिजाइन शेयर स्ट्रेस इज मॉडिफाइड बाय K into में टाउ से फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ बीम। देखो ध्यान से, अब इसको कैसे करते हो आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल K तब लेके चलोगे जब आपके पास K की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, 1.3 हो जाएगी, और K की वैल्यू 1.6 माइनस 0.002 इंटू में डी, और K की वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास, ये वैल्यू जब होगी जब D इज़ लेस देन इक्वल टू 150 mm डेफ्थ। अगर D आपके पास जनरली 150 mm टू 300 mm हो गया तो आपको K की वैल्यू यहाँ से लेके चलोगे, अगर D आपके मोर देन 300 mm हो गया तो आपके K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये पॉइंट भी आई एस कोड ने मेंशन कर रखे हैं तो इनको भी याद रखिएगा। ये आपके पास हो जाएगा टाउ सी इज मॉडिफाइड बाई के इंटू में टाउ सी फॉर स्लैब थिकनेस। ये किसकी थिकनेस है, फॉर स्लैब थिकनेस, बस ये याद रखना। स्लैब के लिए टाउ सी की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज मतलब चेंज हो जाती है। अब इससे एक और पॉइंट इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है, जैसे जैसे आपकी डेप्थ कम होती है ना वैसे वैसे स्लैब की शेयर की रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, बढ़ रही है K की वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे जैसे आपके पास डेप्थ ऑफ स्लैब कम होगी, जितनी डेप्थ ऑफ स्लैब कम होगी मतलब 150 के आसपास होगी, और उसकी आपकी शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेप्थ आपके बढ़ गए तो शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि आई एस कोड ने बोला है, मैंने नहीं बोला। ठीक है, जब कभी कोई आगे जब टाइम मिला है, मैं जब आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगा ना, जो आई एस कोड जो डाटा दे दिया, ये वाला डाटा दे दिया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इनको एक्सप्लेन करूँगा मैं, जब कभी कोई नेक्स्ट टॉपिक आपका जब आरसीसी लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक लेके आऊँगा जिनमें मैं हर एक डाटा का आपको ये बताऊँगा कि आई एस कोड ने इस वैल्यू को ऐसा क्यों दिया है, उसका रिपीचर रीजन क्या था, और प्रॉपर रिसर्च के थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी बस इतना मान लीजिए अपने एग्जाम के लिए, अगर डेप्थ बढ़ेगी तो आपके शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम हो रही है फॉर स्लैब थिकनेस के लिए। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट था आपके पास। अब आते हैं लास्ट, हम आते हैं डिजाइन स्टेप में। बेसिकली इन्हें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने ये लिखवाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी स्लैब के अंदर। तो लास्ट में आते हैं हम डिजाइनिंग पे, इसको रेज कर देता हूँ मैं। ये अरेंज कर दिया, चले। नाउ आता हूँ मैं कुछ डिजाइन स्टेप बोल दो, या फिर कुछ उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं समझ लेता हूँ। केस फर्स्ट, केस सेकंड, और लास्ट हो जाएगा आपका केस थर्ड। ये केस मैंने खुद ने बनाए हैं, और ताकि आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, समझ पाओ, इन केस से डिफाइन होगा कि आपको शेयर रीइंफोर्समेंट के डिजाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये केस डिफाइन करेंगे आपको। जैसे केस नंबर फर्स्ट होता है, इफ टाउ इज लेस देन टाउ से, पहला वाले केस में क्या हो गया आपका, टाउ इज लेस देन क्या हो गया, टाउ सी हो गया। सेकेंड वाले केस में आपका टाउ सी लेस देन टाउ वी और लेस देन टाउ सी मैक्स, और तीसरे वाली कंडीशन होगी व्हेन टाउ वी इज मोर देन टाउ सी मैक्स, व्हेन टाउ सी इज मोर देन टाउ सी। तीन केस बन के देखो ध्यान से, पहले वाले केस के अंदर इसको समझना ध्यान से। इसमें बेसिकली दो पॉइंट बनते हैं, बट उन दोनों पॉइंटों को मैं लिखवा भी देता हूँ, पहले समझते हैं। देखो टाउ वी क्या, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, जो ऊपर से एडिशनल शेयर स्ट्रेस लग रहा था, और टाउ सी क्या, मेंबर की कैपेसिटी। इस बार जो ऊपर से लगने वाला स्ट्रेस था वो कम है किससे, मेंबर की कैपेसिटी, यानी कि मेंबर की रोकने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। जब मेंबर ज़्यादा स्ट्रेस को रोक सकता है और उसके ऊपर लोड कम आ रहा है, क्या इसमें शेयर रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, शेयर रीइंफोर्समेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। देखो मतलब समझो, प्रैक्टिकल जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
मेरी कैपेसिटी थी 100 केजी को लोड को उठाने की, ऐसा मान के चलो, ठीक है, स्ट्रेस के टर्म में समझ लो, फोर्स के टर्म में समझ लो, बात एक ही है। मेरी कैपेसिटी थी 100 केजी का लोड मेरे ऊपर आया तो मैं उसको उठा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरी अपनी कैपेसिटी 100 केजी। लेकिन ऊपर से लोड आ रहा है कितना, मुझे 50 किलो न्यूटन ला रहा है, 50 किलो न्यूटन मेरे ऊपर लोड आ रहा है, क्या मैं फेल होऊंगा? नहीं होऊंगा, मेरी कैपेसिटी अभी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अलग से शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहीं केस नंबर थर्ड क्या हो गया, टाउ भी देखो ध्यान से, इस बार जो मेरी कैपेसिटी थी ना, मेरी कैपेसिटी 100 केजी थी, लेकिन आ कितना रहा है, आ रहा है आपका 200 केजी का लोड आ रहा है। अब मुझे दो तीन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उस लोड को क्या करें, हम डिस्ट्रीब्यूट करें। अब मुझे अलग से लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस वाले केस की बात हो रही है, इस वाले केस में आपको शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है। तो पहले वाले पॉइंट में लिख देता हूँ, नो शेयर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत? नो। इसके बाद देखते हैं ध्यान से, इसमें भी दो अलग अलग पॉइंट आईएएस कोड ने बनाए थे, ठीक है, जो बेसिकली ईएएस के अंदर पूछ ले जाते हैं। एसएससी में इतना याद रखना, शेयर रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मैं प्रोवाइड करता हूँ, फॉर्मूला बताऊंगा कितना होता है। इसमें भी एक कंडीशन बताता, अगर आपके पास टाउ इज लेस देन 0.5 टाउसिस, इसका भी 50% से भी कम, बहुत ही कम आ रहा है, तो नो शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। बहुत कम आ गया, बहुत कम फोर्स आ रहा है, तो वहाँ पे आप प्रोवाइडेड भी नहीं करोगे, ठीक है। बट सेकंड वाली कंडीशन आ गया, अगर आपके पास 0.5 टाउसी से आपके पास ज़्यादा आ गया टाउ भी, बट एक्चुअल टाउसी से वैल्यू कम आ गई, तो यहाँ पे आपके पास शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड। शेयर रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत हो या ना हो, आपको मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड फॉर डक्टाइल फेलियर, ध्यान रखना आईएएस कोड के अकॉर्डिंग। और मिनिमम एएसवी मिनिमम का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आईएएस कोड ने फॉर्मूला मुझे दे रखा है, इस तरह से कुछ दे रखा है, 0.4 इंटू में भूल गया, देखता हूँ एक बार लास्ट में क्या था, क्या था लास्ट में, हाँ 0.875, यस 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 0.875, ये वाला फॉर्मूला था। यहाँ से अगर स्पेसिंग निकालोगे तो मिनिमम के लिए स्पेसिंग निकल जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0.875 इंटू में एस बी डिवाइड बाई 0.4 इंटू में बी, ये फार्मूला आपके पास बन गया। मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट का ये फार्मूला आईएएस कोड ने दे रखा था, जिसके थ्रू मैंने क्या निकाल लिया, स्पेसिंग मैंने कैलकुलेट कर लिया। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? इन जनरल आईएएस कोड में ए और बी के, मतलब एसएससी जेई के लिए ए बी पॉइंट को याद रखना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधा बोल देना अगर टाउ इज लेस देन टाउ सी होता है, नो शेयर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, बट मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड एज पर आईएएस कोड, क्यों आईएएस कोड ने बोला है। आईएएस कोड ने मिनिमम के लिए फॉर्मूला दे रखा है, ये एस बी एक्चुअल मिनिमम होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे उसकी स्पेसिंग, मुझे अल्टीमेट स्पेसिंग ही निकालनी होती है, ठीक है। नाउ आता हूँ मैं सेकंड स्टेप को, बाद में करता हूँ थर्ड स्टेप। इस बार आपके पास टाउ बी की वैल्यू मैक्सिमम से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि मैंने जितने लोगों की मदद चाहिए थी, मैंने मदद लगाने के बाद फिर मेरे ऊपर से बहुत ज़्यादा जेसीबी का लोड आ रहा है, भैया फिर तो फेल ही होना है, स्ट्रक्चर ही टूटना है, ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? ऐसा कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैक्स इतना याद रखना, मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा तो आप उसके अंदर कैपेसिटी नहीं लेके आओगे, अगर उससे भी ज़्यादा लोड आएगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हैंस उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा अपना स्ट्रक्चर को, क्या करना पड़ेगा आपको, और रीडिजाइन करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीडिजाइन करना पड़ेगा, या इसको लिख सकते हो चेंज ऑफ विड्थ एंड डेप्थ, चेंज विड्थ एंड डेप्थ, इसको चेंज करोगे, चेंज इन द सेंस इसको इंक्रीज करोगे, ताकि मेरे पास टावी की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, किसी भी कंडीशन में टाव मैक्सिमम से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट कई बार पूछा जाता है, अगर आपका मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करोगे, सीधा बोल दो सर उस सेक्शन को मुझे रीडिजाइन करना पड़ेगा, दोबारा से डायमेंशन चेंज करनी पड़ेंगे, डायमेंशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि टावी की वैल्यू क्या हो जाए, आपके पास कम हो जाए। टावी की वैल्यू कब कम होगी, टावी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे कुछ होता है क्या, ऊपर से लोड को आप चेंज नहीं करते, लोड जितना आना वो तो आना ही है, आप इस वाली सेक्शन क्या करो, इंक्रीज करो, जब बीओडी की इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली टावी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि आप सेक्शन को क्या करोगे, रीडिजाइन करोगे, रीडिजाइन द सेक्शन। नाउ आगे आते हैं इस पॉइंट में जो नॉर्मली आता है आपका। इस बार बोला है कि मेरी जो कैपेसिटी थी 100 केजी थी, ठीक है, लोड आ रहा मेरे ऊपर 200 केजी का और मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जितनी मैं मदद ले सकता था उनकी जो सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी 500। तो मैं क्या आ रहा, अब मुझे दो चार लोगों की क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस टर्म में आपको शेयर रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हेंस शेयर रिइंफोर्समेंट इज डिज़ाइन। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट भी है और आप क्या करोगे उसको डिज़ाइन करोगे। जब शेयर रिइंफोर्समेंट के डिज़ाइन करोगे तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, डिजाइन शेयर फोर्स। डिजाइन शेयर फोर्स यानी कि VS आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और VS कैलकुलेट करोगे टोटल शेयर फोर्स मल्टीप्लाई VC कंक्रीट। यस, तो इसमें एक पॉइंट पहले मैं निकालता हूँ, VC निकालता हूँ। VC क्या है, इसको डिजाइन शेयर फोर्स, डिजाइन शेयर फोर्स रेजिस्टिंग बाय कंक्रीट। कंक्रीट इन टर्म में लिख रहा हूँ, बेसिकली मेंबर होती है, मेंबर की अपनी कितनी कैपेसिटी थी रोकने की, कंक्रीट या इसको लिख सकते हो मेंबर, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, वीसी निकलेगा आपके पास, वीसी क्या फोर्स है क्या, और फोर्स क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, अपन तो बेसिक फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। ये वीसी क्या फोर्स बाय रेजिस्टिंग ऑफ द मेटेरियल बोल दो, मेंबर बोल दो, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना, टाउ सी जो डिजाइन शेयर स्ट्रेस था, इनटू में एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स हो गया क्या, आपने वीसी निकाल दिया। इसके बाद आपको निकालना क्या वीएस, वीएस क्या जो पहले लिखवाया था, एडिशनल शेयर फोर्स बोल दो या बोल दो शेयर फोर्स रेजिस्टेंस बाय शेयर रिइंफोर्समेंट, जिसको मैं बोल रहा था पहले कि एडिशनल शेयर फोर्स, अभी प्रैक्टिकल फील करवाऊंगा कैसे इसको आसानी से आप याद रख सकते हो। वीएस कैसे निकलेगा, टोटल वी एक्स्ट्रा शेयर फोर्स डिवाइड बाय माइनस वीसी, आप कैलकुलेट कर लोगे वीएस, मतलब क्या हो, देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा, ऊपर से कुछ लोड आ रहा था, देखो मैं यहाँ पे ऊपर से लोड आ रहा था कितना 200 किलोन्यूटन का, मेरी अपनी कैपेसिटी कितनी थी, मेंबर की कैपेसिटी कितनी थी 100 किलोन्यूटन, ठीक है, 200 को लोड आ रहा है, मेरी कैपेसिटी 100 किलोन्यूटन है, तो मुझे अलग से जो लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जो एडिशनल मुझे शेयर फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कितना होगा, 200 माइनस 100 बचेगा कितना, यानी 100 लोगों, मतलब 100 की कैपेसिटी के लोगों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो वही होता है एडिशनल शेयर फोर्स। यानी कि जो आप डिज़ाइन करोगे ना सेक्शन को, आप पूरे के लिए डिज़ाइन नहीं करोगे, आप पूरे में से माइनस कर दोगे मेंबर की कैपेसिटी, उसके बाद जो शेयर फोर्स बचेगा उसके लिए क्या करोगे, आप डिजाइन करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल आपका ऊपर से लोड आ रहा था 100 किलोन्यूटन लोड के टर्म में और मेंबर रोक सकता था 80 किलोन्यूटन, अब आपको शेयर रिइंफोर्समेंट की जो डिजाइन करनी है ना, वो 100 के लिए डिजाइन नहीं करोगे, वो कितने के लिए डिजाइन करोगे, एडिशनल के लिए, यानी कि 20 किलोन्यूटन के लिए आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे 100 माइनस 80 कितना हो गया 20 किलोमीटर के लिए आप डिजाइन करोगे, ये 20 किलोमीटर ने क्या था आपका वीएस था, पॉइंट सुन मारे क्लियर ऑफ पॉइंट, ठीक है। और वीएस के लिए स्पेसिंग का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ पहले, स्पेसिंग वर्टिकल स्ट्रिप के लिए बात कर रहा हूँ, 0.87 FY इंटू में डी इंटू में एस वी डिवाइड बाई वीएस, हर एक पॉइंट आपको पता है सारा कुछ, एक स्पेसिंग यहाँ से निकल जाती है वर्टिकल स्टेप्स की, और दूसरी कुछ मैक्सिमम क्राइटेरिया आईएस कोड ने दे रखा है, मैक्सिमम क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट 0.75 इंटरमीडिएट फॉर अगर आप इंक्लाइंड स्टेप प्रोवाइड कर रहे हो, सेकंड पॉइंट डी अगर आप वर्टिकल स्टेप प्रोवाइड कर रहे हो, उससे पहले आपके पास एक स्ट्रेस प्रोवाइड हो जानी चाहिए, और तीसरा आपके पास आएगा 300 mm, किसी भी कंडीशन में 300 mm, इन तीनों में से विच एवर इज मिनिमम, इन तीनों जो भी कम वैल्यू आएगी
वहाँ पे आपको कम से कम एक स्पेसिंग प्रोवाइड कर देना है। इन जनरल जो आपके पास स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट से 50 mm का राउंड अप में एक स्टीरअप हम प्रोवाइड कर देते हैं। नॉर्मली आपके वर्टिकल स्टीरअप्स की हो गया डी आपका उल्टा हो गया। ये आपके पास हो जाएगा वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए, नीचे वाला हो जाएगा इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए। ये हो जाएगा आपका वर्टिकल और ये हो जाएगा इंक्लाइंड स्टीरअप्स। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे इनको डिटेल में बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अगर वर्टिकल स्टीरअप्स बात हो रहा है तो पहली कंडीशन ये वाली, दूसरी कंडीशन ये वाली, तीसरी कंडीशन, तीनों कंडीशन को आप देखोगे और उसमें भी जो मिनिमम स्पेसिंग होगी उसको आप प्रोवाइड करोगे कि हाँ इससे कम आपका एक स्टीरअप्स आपको प्रोवाइड करना होगा। आई होप ये बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट केस थे जो हम डिजाइनिंग में आएगा। इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, इसके बाद जो कंटिन्यू करूँगा मैं क्वेश्चन करवाऊँगा और उसमें इन हर पूरा क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।